प्रेज लॉर्ड फैमिली, मैं उर्मिला महाजन कीर्तिनगर से हूँ और मेरी आयु 72 साल की मैंने अभी हुई हूँ। मैं 3-4 साल से इस चर्च में, 2019 से मैंने आना शुरू किया इस चर्च में। और हालांकि मैं पहले भी मसीह को मैंने पहले भी ग्रहण किया हुआ था, परंतु मेरा जीवन जो है वास्तव में इस चर्च में आने के बाद पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि जो शिक्षाएं मैंने यहाँ से प्राप्त की हैं उसके अनुसार मुझे, मैंने परमेश्वर के प्यार को महसूस किया और उसकी जो चंगाई को मैंने अनुभव किया है। मैं आपसे गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बाजू में, राइट एल्बो में कई साल से, लगभग 5-6 साल से दर्द था, और इसको डॉक्टर इसको गोल्फ एल्बो और टेनिस एल्बो बोल के मेरी डिजीज़ का नाम लेते थे। और मुझे काफ़ी तेज़ दर्द होती थी, मैं अपने डेली काम करने में भी मुझे परेशानी हो रही थी। तो मेरी एल्बो में जो दर्द था इसके कारण इतनी तेज़ दर्द होती थी, शूटिंग पेन होती थी, कि मैं मतलब नहाने के लिए अगर मैं मग भी उठाना हो तो मग उठाने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने छोटा सा मग अपने लिए रखा था और मैं चोटी नहीं अपनी बना पाती थी और वाइपर नहीं लगा सकती थी क्योंकि मेरी दाहिनी बांह में बहुत दर्द होती थी। और डॉक्टर कहते थे कि आपको टेनिस और गोल्फ एल्बो दोनों हैं, मीन्स मेरे दोनों साइड में दर्द होती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी अपनी डेली रूटीन में। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अभी मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ। उन्होंने स्टेरॉइड का इंजेक्शन मेरी एल्बो में लगाया था, बहुत पेनफुल था। दो तीन महीने शायद ठीक रहा होगा उसने, 2-3 महीने मैं पेन फ्री रही। उसके बाद फिर मेरी दर्द शुरू हो गई और दर्द बढ़ती गई। अब लगता है कि इतनी बार इंजेक्शन बार बार लगाना भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैं पेन में ही रहती थी, मतलब बहुत पेन, कई बार बहुत पेन होती थी, कई बार कम होती थी। एक संडे पास्टर अंकित जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने विशेष रूप से इस एल्बो के लिए उन्होंने कहा कि किसी लेडी के बाजू में दर्द होती है और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। और मैंने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, क्योंकि मेरी बाह में दर्द हो रही थी और मेरे लिए बहुत देर तक बाजू उठाना या ताली बजाना मेरे लिए बहुत कठिन होता था, तो उस हीलिंग को मैंने उसी समय यीशु के नाम से रिसीव किया था। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी दर्द जो है वो कम होती जा रही है, और मैंने घर जाके देखा, मेरी दर्द बहुत कम थी। और 2-3 दिन बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भूल गई उस दर्द को, क्योंकि मेरी एल्बो में दर्द नहीं हो रही थी, मेरी दर्द नहीं थी और मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। इस बात को भी 2-3 साल हो चुके हैं, मतलब कोरोना से पहले की बात है, 2-3 साल हो चुके हैं और मेरी दर्द, मतलब मुझे याद भी नहीं कि मेरे कभी दर्द है, मेरी पूरी तरह से मेरी ये एल्बो पूरी तरह से ठीक है और मैं उस दर्द को भूल चुकी हूँ। अब मुझे किसी काम करने में दिक्कत नहीं है, मैं वज़न कितना भी उठा लूँगी, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उठा सकती हूँ, मुझे कोई मतलब कोई तकलीफ़ ही नहीं है, वज़न उठा सकती हूँ मैं, कोई भी काम कर सकती हूँ राइट आर्म से, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं किधर भी घुमा सकती हूँ, चारों तरफ घुमा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और एक भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, मेरी हेल्थ के क्षेत्रों में परमेश्वर ने बहुत कार्य किए हैं, मेरी कई दवाइयाँ छूट गई हैं। पहले ब्रोंकाइटिस की मैं वो इनहेलर लेती थी, हर सीज़न चेंज में मुझे थोड़ा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप इनहेलर ले लिया करो दिन में 2 टाइम, परंतु अब मैं कई दिन से वो इनहेलर नहीं ले रही और मुझे कोई भी ब्रोंकाइटिस की, हालांकि सीज़न चेंज हो रहा है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे जो डॉक्टर ने जो बताया है वो सही है। तो आई एम टोटली हील्ड इन जीसस। हालांकि मेरी उम्र 72 ईयर्स मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे 72 ईयर्स हो गई हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं 50-55 की हूँ, मतलब आई फील माई सेल्फ यंग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हर तरीके से, मतलब कुछ भी काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और मुझे कोई बुढ़ापे का चिन्ह मेरे ऊपर, सिर्फ मेरी स्किन को छोड़ दिया जाए तो मेरे ऊपर बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं है। चर्च तो मैं बहुत सालों से जाती थी, मतलब मुझे लगभग
15-16 साल हो चुके हैं शायद चर्च में जाते हुए, परंतु जिस प्रकार से मतलब एक रूटीन की तरह काम चल रहा था कि मैं जाती थी अपना वहाँ से आराधना प्रार्थना करके आ जाना, पर अगर मैं सोचूं कि मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा बदलाव आया हो तो वो नहीं था। मतलब एक रिचुअली मैं मुझे लगता था मैं एक रिचुअली फॉलो कर रही हूँ, नियम से मैं जाती थी बस इतना ही था। परंतु इस चर्च में आके जो मैंने पाया है वो अद्भुत है, अद्भुत है, वो मेरी सोच से भी परे की बात है। मुझे नहीं पता था कि यीशु इस तरीके से जीवनों को बदलता है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ यीशु का नाम लेती थी, अब मैंने यीशु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया। मैंने इस चर्च में आकर ये जाना कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे प्रेम करता है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो था ना, एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ आके जाना। उससे पहले सिर्फ नाम का था कि परमेश्वर हमारा पिता है, बस इतना ही मालूम था। अब मैंने जाना है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है और उस प्रेम का अनुभव मैंने किया है और मेरा जीवन इसके कारण इतना बदल गया है कि अब मैं पूरी तरह से आनंद और शांति में हूँ मेरा, और मैं बहुत आशावान हूँ। मुझे कभी नकारात्मक विचार अब नहीं आते, मुझे नकारात्मक विचार नहीं आते, मैं हमेशा आनंदित रहती हूँ और एक आशा, बहुत ही आशा से भरा हुआ जीवन मैं आगे देखती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर की इन शिक्षाओं के लिए, प्रभु ने परमेश्वर ने उनको ऐसा प्रकाशन दिया है कि वो हमारे जीवनों को लगातार बदल रहे हैं प्रैक्टिकली, मतलब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, प्रैक्टिकली वो हमारे इस तरीके से वो हमें समझाते हैं कि वो हमारी बातें जो हैं उनकी हमारे हृदय में उतर जाती हैं और वो फिर हृदय में उतर के हमारे चरित्र में हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं और हमारे निरंतर कोशिश होती है कि हम भी यीशु मसीह के जैसा करैक्टर हम अपने अंदर ला सकें। जो पिता के प्रेम का अनुभव मैंने इस कलीसिया में आके किया है वैसा अनुभव आज से पहले मेरा नहीं था, कहने को हम कहते हैं, बट उस प्रेम का जो एक एक्सपीरियंस मैंने किया है वो अद्भुत है और वो मैंने यहीं आके किया है। और आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू ऑल, थैंक यू।